दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यासूब रिजवी और आपने इस वक्त देखना शुरू कर दिया है लाइफ टाइम न्यूज़। स्वागत करता हूं आपका। देश में लगातार इस साल 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हम आए हुए हैं एक पेट्रोल पंप पे अरंडा में। यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आम लोगों के जेबों पर इसका क्या असर पड़ा है, आम जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों का क्या कहना है। जिस तरीके से तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लोगों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं, बात करेंगे, दिखाते हैं तेल के दामों में, जानते हैं कि इसका आम जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आसिफ कमाल। सर, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका आम जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत बुरा पड़ा है सर। कभी कोई नहीं सोचा था कि 100 पार हो जाएगा, सेंचुरी लग जाएगा और हम लोग का पैकेट खाली हो जाएगा। बताइए। और कुछ दिन के बाद हमको लगता है सर, हाँ। जानते हैं शैम्पू का पैकेट देखे हैं, पाउच 2 रुपया वाला 100 लीटर का उस तरह आएगा पाउच में, और हम लोग पाउच फोड़ के डालेंगे। बताइए, तो देख सकते हैं लोगों ने अच्छे दिन की उम्मीद तो की थी, लेकिन ऐसे अच्छे दिन की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। बिल्कुल 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 बर्बाद हो गया सर। पेट्रोल अब लग रहा है कि 200 रुपया 500 रुपया लीटर करेगा। हम सोचे नहीं थे कि ज़िंदगी में जब गाड़ी लेंगे तो 100 रुपया पेट्रोल डलवाएंगे, लीटर है 100 रुपया। सर, अब पहले भी ऐसा नहीं कि यह सरकार में भी, वो सरकार में भी सेम था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है। लेकिन उस टाइम हम कोई सरकार का तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन BJP के टाइम में कच्चा तेल का दाम बहुत कम है, आप देख सकते हैं सर। और जो कांग्रेस का सरकार था उसमें ज़्यादा था, बट लेकिन अभी पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, ज़्यादा हो गया, बहुत बुरा हुआ है सर ऐसा, लेकिन सोचना चाहिए सरकार। सही मायने में अगर आज की हम अगर यहाँ की बात करें, सिवान के हम अरंडा में हैं, यहाँ की अगर आज बात करें तो आज का रेट है 93 रुपया 97 पैसा। तो लगातार जो है तेल के दामों में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। सर, आपका क्या नाम हुआ? अब्राहम नाम। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कितना प्रभाव पड़ रहा है जनजीवन? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी, बहुत ज़्यादा। तो लोगों को दोस्तों दिक्कत हो रही है, वही हम दिखाने का काम करेंगे। कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो काम ज़्यादा करेंगे या फिर अपनी बाइकों को कम चलाएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अफरोज है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ रहा है? कहना क्या चाहेंगे, हमेशा बढ़ ही रहा है, इसमें क्या है, इसमें पब्लिक का ही नुकसान है, इसमें दूसरा का नुकसान तो है नहीं इसमें। तो अच्छे दिन आ गए हैं क्या? अच्छे दिन कहाँ से आए, बुरे ही दिन चल रहे हैं भाई, अच्छे दिन कहाँ से चलेंगे भाई। जी, 100 डाल दीजिए। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल लोगों ने अच्छे दिनों की उम्मीद तो की थी, लेकिन ऐसे अच्छे दिन आएंगे इसकी कतई उम्मीद नहीं की थी। आप रेट देख सकते हैं, आज की अगर बात करें तो पेट्रोल की बात करें तो 93 रुपया 96 पैसा। सर, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर इफ्तखार अहमद हुआ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे, जनजीवन इसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है दाम बढ़ने से? जनजीवन पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर सरकार का ख्याल रखना चाहिए कि ये भारत में क्या हो रहा है, बस मैं ये इतना ही कह सकता हूँ, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। क्या कहेंगे नहीं सर कि थोड़ा रेट कम हो ऐसा? हाँ हाँ, ये तो सारा आदमी चाहे कि भाई रेट कम हो, तबे तो आदमी गाड़ी से चलेगा, सही है। तो आदमी गाड़ी से साइकिल पर आ जाएगा, जब रेट ही कम नहीं होगा तो आदमी गाड़ी से क्या चलेगा। अब मान लीजिए 100 रुपया पेट्रोल हो गया, तो गरीब तबका का आदमी है वो कहाँ से 100 रुपया के तेल डलवाएंगे? सही, वैसे आदमी जो रहेंगे तभी तो उतना महंगा तेल डालकर अपना चलेंगे। बात सही है, आदमी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, आदमी को बस झेलना है। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी हो रही है, आम जनजीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमित मिश्रा हुआ। अमित भाई, क्या कहेंगे, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल आसमान की बुलंदी पर जा रहा है रेट, इसका क्या कहेंगे, आम जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है? उसका असर है, पेट्रोल और डीजल दोनों बढ़ा है दाम, लेकिन गाड़ी जो रखे हो तो चलाएगा ही। तो गाड़ी अब कम चलाइएगा या काम ज्यादा करिएगा? काम ज्यादा करेंगे, गाड़ी कम चलाएंगे। तो सभी खबरों पे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।